हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज द राइडिंग हंटर और इस वक्त हम लोग रूमी गेट पे मौजूद है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा खास मेहमान मौजूद है, हमारे मोमिनुल भाई, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया राइड पर निकले हैं, एक नया रिकॉर्ड अपने आप में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी दुआ करते हैं कि बिल्कुल उस चीज में सक्सेसफुल रहे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाने की उनकी पूरी कोशिश है। एक नया रिकॉर्ड एक मोटो के साथ निकल रहे हैं, सेफ वाटर। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे मोमिनुल हक भाई को सपोर्ट करें और जो इनका मोटो है पानी बचाया जाए। वाकई में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की किल्लत है, कमी है, तो लिहाजा आप लोग वाटर को, पानी को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें। जितेंद्र भाई हमारे हैं, इनका भी एक मोटो है कि सेफ प्लांट, सेफ ट्री, सेफ नेचर, हैशटैग प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएशन, उसको टैग करें और उस पे जाके विजिट करें। ग्रीन क्रिस्टल्स इनका ग्रीन क्रिस्टल राइडर्स क्लब के नाम से हम लोगों का क्लब है, लाइक माइंडेड राइडर्स है और राइडिंग हंटर्स का पेज जरूर लाइक करें, उसका यूट्यूब पे फॉलो करें। और बहुत ही अच्छी चीज है, हमारे साथ मितेश भाई भी पहुंच गए हैं। मितेश भाई आ जाइए, वीडियो में आप लोग आगे देखिएगा, मोमिनुल भाई अपनी मुझसे बाकी जो बातें तमाम बताएंगे उसको आप लोग सुनिएगा और उस पे इनको सपोर्ट। मैं हुगली वेस्ट बंगाल से निकला 16 सितंबर 2019 में, तो मेरा ये राइड है 51,000 किलोमीटर का 95 डेज का। तो मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट खत्म करके आया, उधर में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, बिहार होकर अभी यूपी में। आज बरेली में स्टे करने का, कल उत्तराखंड जाएंगे, उसके बाद हिमाचल होके कश्मीर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द राइडिंग हंटर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और स्प्रेड करना और खूब ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। थैंक यू। लखनऊ में मेरा फेसबुक फ्रेंड था, उनके साथ हम मिला अभी, तो अभी हम लोग रूमी गेट में हूँ, अभी शाम के टाइम। मोमिन भाई से जब ये राइड स्टार्ट करा था तभी फेसबुक पे इनका इंटीमेशन मुझे मिला था और तभी से मैं जो है भैया को फॉलो कर रहा हूँ और मैं बहुत कीन था कि ये जो मोटो लेके चले हैं सेफ वाटर सेफ लाइफ का और सोलो राइड लेके चले हैं, मैं भी सोलो राइड करता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें था कि ये जो है जब लखनऊ से गुजरे तो एक बार इनसे मुलाकात करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इस उम्र में जब राइडिंग इस तरह सोलो करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत पैशनेट राइडर्स के नाम में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, बिकॉज यंगस्टर्स तो बहुत राइड करते हैं लेकिन हम लोगों का अगर सोलो निकल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोटो लेके निकलते हैं वो है। और उसी सिलसिले में मैं मिला, जैसा कि ग्रीन क्रिस्टल्स का हमारा हैशटैग प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएशन का विजन है कि जो भी राइडर्स निकले उन राइडर्स को हम लोग सीट्स प्रोवाइड कर दें सो देट वो रास्ते में आते जाते सीट्स अपने दे जो है बिखेर सके, जिससे प्लांटेशन रेगुलर उस पर हो जाए। उसी सिलसिले में मोहिन भाई से मिलना भी था, तो आज बहुत हम सौभाग्य है हमारा कि आज मोहिन भाई से मिल पाए हैं हम लोग, तो हम इनके आगे की पूरी राइड के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके साथ हमेशा बना रहे, इनकी आने वाली सारी दिक्कतों को जो है प्रभु आगे से आगे खत्म करता रहे और इनकी गाड़ी को प्रभु खुद चलाए, इनको प्रभु खुद लीड करे, इनकी हर तरफ से उसके स्वर्गदूत इनके साथ रहें, एंजल्स उनके साथ रहें और साथ में इनको हर तरह से सारी चीज़ों से सेव करके और सुरक्षित अपने घर वापस पहुँचाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन। निकला सेव वाटर सेव लाइफ। अभी आप लोग जानते हैं कि चेन्नई में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, मुंबई में पानी का प्रॉब्लम है, पानी का जो लेयर है वो अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको पानी और नल खुला नहीं रखने का, जितना हो जरूरत है उतना ही तक यूज करने का, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए ये पानी भी रखना चाहिए, हमको पानी कैसे मौजूद करना है ये भी जानना चाहिए, इसलिए ये जानकारी देने के लिए पूरा इंडिया तक हम निकले हैं बाइक लेके।
बस। और अपने बंगाली भाइयों के लिए आप बंगाली भाषा भी इस्तेमाल करते हैं? बांग्ला जिसो भाई बोनेरा आज ना बंधु आशे তাদের জন্যও আমি বার্তা দিতে চাই, যাতে জল আমরা যেন সংরক্ষণ করতে পারি, জলের জন্য অপচয় না করি, এটাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। কেউ যদি দেখে যে কেউ জল খুলে রেখেছে তাহলে অন্যজনকে অন্তত সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সবাইকে কেয়ারফুল হওয়া।